हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं बारामती। तो बारामती आते आते थोड़ा लेट हो गया, तो घर से कुछ खाना खा के नहीं आए थे। तो पहले से हम थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। तो पास में एक बहुत बढ़िया यहाँ पे साउथ इंडियन होटल है, वहाँ पे बहुत बढ़िया इडली सांबार डोसा वेराइटी का बहुत बढ़िया मिलता है। तो पहले जाके पेट पूजा करते हैं साउथ इंडियन होटल में। तो चलते हैं दोस्तों, पहले पेट पूजा से स्टार्ट करते हैं पहले हमारा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारा साउथ इंडियन होटल। मिस विधि आगे आगे जा रही है, ज्योति और अभिप्सा पीछे ही है। तो ये रही हमारा वैष्णवी डोसा सेंटर, साउथ इंडियन डिश। इसमें अंदर हम जाना है। तो फ्रेंड्स, अंदर एंट्री हो गए। देखिए, अंदर एंट्री हुई है, पूरा खचाखच पूरा भरा हुआ है। एक टेबल खाली है, तो यहाँ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा मेन्यू। मेन्यू में तो बहुत सारे हैं, तो मैं सभी सा विधि को पूछते हैं क्या चाहिए इसमें से। तो मिस ज्योति जी तो भी, उनका थोड़ा सा हेडेक है, इसलिए उनका मूड ऑफ है। क्या खाना है? फैमिली डोसा खाना है? नहीं, हम क्या मसूर मसाला डोसा, फैमिली आपका भी थी फैमिली डोसा नो, डोसा है, अकेली खा लेगी क्या? नहीं चारों खाएंगे, चारों आपका फैमिली मिस हेडेक वाले जोर डोसा से सर दर्द हो रहे हैं, यहाँ पे मेडिसिन ले लेते हैं। मैं देख के आता हूँ मेडिसिन कुछ है क्या। फ्रेंड्स, हमारा ऑर्डर हो गया है कि मैसूर मसाला डोसा, मिस विधि की चीज मसाला डोसा। तो उसकी हमेशा स्पेशल ही रहता है। तो देखिए कैसे खुश है। हाँ, मिस विधि स्पेशल गर्ल से कुछ भी स्पेशल ही चाहिए। यहाँ मेन्यू देख लिया, मेन्यू से उसको जो उसको स्पेशल लगा वो ऑर्डर करेगी। तो देखो कोई डिस्कशन चालू है दोनों बहनों में, कुछ ना कुछ उनको। तो हम तीनों का मैसूर मसाला डोसा है ना। वो मिस ज्योति जी का थोड़ा हालत खराब है, क्योंकि वो कभी भी बाहर जाते हैं ना, थोड़ा सा वो हेडेक हो जाते हैं। तो पूरा मूड ऑफ है, पूरा जोरों से हेडेक हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आ गया हमारा मैसूर मसाला डोसा। देखिए, ये हो गया मिस अभिप्सा की, ये मेरा, तो झपट लिया उसका दीदी का। आपका तो स्पेशल डोसा है चीज। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है। देख के बोता मुंह पे पानी आ गया है, क्योंकि बहुत भूख लगा है, क्योंकि कुछ घर से खाना खा के नहीं आए, तो इसको देख के बहुत पानी आ गया है। तो देखिए मिस अभिप्सा की, देखिए के स्ट्रक्चर से देख के बहुत तो बढ़िया लगता है। डोसा का स्ट्रक्चर कैसा है, बस टॉपिंग बहुत 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 बढ़िया है। ये एक चटनी है, और ये यहाँ पे सांबर मिलेगा, शायद सांबर भूल गए होंगे। मिस विधि की तो स्पेशल चीज वाली आने वाली है। तो मिस ज्योति की तो अभी ऑर्डर है, आएगी लेट में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहले कैसा है तो ट्राई करो कैसा है। बहुत यहाँ तक अच्छा ही तो रहता है, बढ़िया है ना। ये रहा डोसा, ये चटनी, इसके साथ वाइट चटनी के साथ बढ़िया है, अमृत है, बहुत बढ़िया लगता है। आ गया जिज्ञासा और मम्मी का भी। जिज्ञासा, तुम्हारा मसाला नहीं है, सिर्फ चीज है। हाँ, नीचे दिया है। चीज तो नाम का है। तो फ्रेंड्स, हो गया हमारा पेट पूजा, खाना हो गया। मिस भी देखिए उसका केक ले लिया है, तो कुछ भी आता है उसको पता चल तो होना ही है। तो ये कुछ केक वाला खा रहे हैं, वैनिला केक है, कप केक है, कप में रहते हैं। ये तो केक ही है, मतलब ग्लास केक है, ग्लास केक, ग्लास केक, ग्लास केक। तो फ्रेंड्स, अभी खाना हो गया, अभी बचा ड्रेस खरीदने के लिए चलते हैं सुभद्रा मॉल पर, जोड़ियों पे।
फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं सुभद्रा मॉल। सुभद्रा मॉल की एंट्रेंस ऐसे देखिए। तो ये जोड़ी है, तो जोड़ियों पे हम लोग जाना है। तो मेरा और मिस विधि अभिप्सा और सबके यहाँ पे ड्रेस परचेज करना है। थोड़ा अच्छा रेंज में मिलता है जोड़ियों में, तो पिछली बार भी लिए थे तो अच्छा क्वालिटी था, तो इस बार भी आए हैं लेने के लिए। तो देखते हैं कैसे आज क्या वेराइटी कैसा मिलेगा। दिवाली का माहौल है, अच्छा ही मिलेगा। तो चलते हैं अंदर। तो ये जोड़ियों का शॉप है, कितना बहुत बढ़िया है। ये सुभद्रा मॉल की एंट्रेंस है, तो हम लोग बाहर से ही चलते हैं। ये सुभद्रा मॉल बारामती का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पे सब बहुत सारा ब्रांड मिल जाता है, जैसे रिलायंस डिजिटल, जूडियो, रिलायंस स्मार्ट, एम डे, ये सब वगैरह, पीटर इंग्लैंड, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया है ब्रांड्स वगैरह। ये बाहर आउटर ऐसा है। ये जोड़ियो शॉप है, तो अंदर चलते हैं कैसा है, देखेंगे क्या क्या वेराइटीज है। दिवाली का माहौल है, अच्छा तो ही होगा। ऑटोमेटिक ड्रॉर है, ओपन हो गया। और जो भी की इंटीरियर ऐसा है, अच्छा अच्छा रेट में है। ज्योति और अभी से कहाँ चले गए? इधर है लेडीज सेक्शन में। ये बहुत बढ़िया रेंज में है, देखो ये एक बैग मिलता है क्या ऐसा, इसमें जो भी भरना है क्या? ये कलर अच्छा दिखता है, मगर स्किन में मिक्स हो रही है। पहले तो फिर राउंड मारो, उसके बाद देखना है। ये वाला अच्छा लगता है, दोनों का रेट सेम है। ये कलर अच्छा लगता है। अब बाबा सब मरे नहीं, चलो यो। अब देखो, अच्छा अच्छा लगता है। फाइनल ब्लू वाला जैसा लो, क्योंकि हमने भी ब्लू वाला ही जैसे ही लिया है। ये बहुत बढ़िया दिखता है, पतला है मगर बहुत बढ़िया दिखता है। ये अच्छा दिखता है ना? ये कलर में ब्राइट होके बहुत बढ़िया दिखता है, बाहर कैसे दिखेगा क्या पता। ये लाइट को तो अच्छा दिखता है पूरा, ये भी अच्छा दिखता है कि क्या हुआ, फाइनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मम्मी का दिखाओ, कौन सा है मम्मी का? वो व्हाइट वाला है ना, ये पतला होगा क्या आपको बैठे? तो फ्रेंड्स इतने में एक तो ही ड्रेस मुझे पसंद आया, क्योंकि ज्यादा अच्छा कहीं कोई पसंद नहीं आ रहा है। ज्यादा सो व्हाइट से, व्हाइट में बहुत है मेरा, तो एक कलर नहीं था ले लिया मैं, ये दो कलर किया है। अभी तो दीदी और अभी स्टाइल रूम में गए हैं, मेरा तो हो गया है, मैं बाहर खड़ा हूँ। बॉडी मिस्ट, तो फ्रेंड्स मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया, मैं इसको डन किया। तो अभी मिस ज्योति एंड अभिप्सा स्टाइल रूम पे गए हैं, तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं सब परफ्यूम्स में। परफ्यूम्स में तो वैरायटी अच्छा है। क्या देखा? बढ़िया है। ए, इसमें क्यों डाला? नया है।
लेते हैं हाँ हाँ तो फ्रेंड्स जोड़ियो में शॉपिंग हो गया। देखें इसके बाद चलेंगे घर पे। फ्रेंड्स घर पे पहुंच गए। आज का दिन बहुत हेडेक में गया, तो शॉपिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि हमारे दोनों लड़कियों का पसंद अलग अलग है। छोटी को कुछ पसंद आता है तो बड़े को पसंद नहीं आता है, बड़े को कुछ पसंद आता है तो छोटी को पसंद नहीं आता है। इसलिए दोनों को पसंद को ध्यान में रखते हुए आज शॉपिंग किया गया क्योंकि बहुत टाइम लग गया। तो इसमें तो मेरा भी ज्यादा रोल नहीं था, मेरा क्योंकि एक दो से शर्ट लेना था तो मेरा जल्दी हो जाता है। ज्यादा चूजी रहते हैं हमारी लड़कियां क्योंकि वो ज्यादा टाइम लगाते हैं शॉपिंग पर। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे और एक नए ब्लॉग पर। तब तक आपका ख्याल रखिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।